लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। त्वम विद्या सत्वम शिव तत्वम शोधयामि स्वाहा। पिछले वर्ष हम लोग कोरोना की महामारी के कारण इस दीपावली के पर्व को इस धूमधाम से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस वर्ष जो हमारे देश में वैक्सीनेशन हमारे प्रधानमंत्री जी के योगदान से जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, हम लोग इस बार दीपावली का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। मेरा श्री गणेश और लक्ष्मी जी से यही अनुरोध है कि इस कोरोना को जल्द से जल्द दूर करें और समस्त देशवासियों पर शुभ और लाभ रिद्धि और सिद्धि की कृपा बनाए रखें, जिससे हमारा देश खुशहाल रहे। इसी के साथ तमाम नई मुंबई वासियों को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि हम इस साल दिवाली को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। पिछले कोरोना काल में 2 साल तक किसी तरह का कोई त्यौहार नहीं मनाया गया। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि कोरोना लगभग समाप्त हो चुका है और हम अच्छी तरह से बड़ी धूमधाम से माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी की पूजा किए हैं। और मैं पूरे मुंबईकरों को, न्यू मुंबई वासियों को, मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को और देशवासियों को ये दीपावली की शुभेच्छा जाहिर करता हूँ। जो ये दिवाली में हम लोग फटाखे फोड़ते हैं उसको हम लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि उससे पोल्यूशन का जो आज बढ़ रहा है पार्ट वो बंद होना चाहिए। पोल्यूशन से बीमारियाँ बढ़ रही है, अगर हम लोग फटाखे फोड़ना बंद करेंगे और उससे अच्छा है हम लोग अगर पेड़ लगाना शुरू करें तो हमारे लिए एक ऑक्सीजन का नया पार्ट भी बन जाएगा। इसी कारण से ये आशा लेकर कि आप लोग दिवाली मनाते समय पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें और पोल्यूशन का भी सोचें और अपना अंधेरा दूर करके एक प्रकाशमय की जैसी दिवाली आप मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy Diwali to all of you.